हिंदी फिल्मों के अभिनेता सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एक पोटेंशियल थ्रेट है, इस बात की जानकारी हम सभी को है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई, चाहे आप देखिए सलीम खान को धमकी भरा एक संदेश मिला, उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर जिस तरह से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, इन सभी मामलों को अगर आप एकजुट करें तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उन्हें बिश्नोई गैंग से एक पोटेंशियल थ्रेट है। लेकिन अमूमन इस घटना का फायदा उठाकर या फिर ये कहिए कि मस्ती करने के इरादे से कुछ लोग इस खबर का, इस न्यूज का फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिनों एक लड़के को गिरफ्तार किया था जिसने सलमान खान को मेल भेजा था, मेल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया गया था। वहीं आज सुबह भी एक खबर सबसे पहले सामने आती है कि सलमान खान के पिता को मॉर्निंग वॉक के दौरान किसी महिला द्वारा स्कूटी के ऊपर जो है लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी दी गई है। अब इस मामले में पुलिस द्वारा उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं उन्हें कोर्ट में पेश करके उनकी कस्टडी मांगी जाएगी और उसके बाद इस मामले में आगे जांच होगी। हालांकि देखिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में उन्होंने मस्ती करने के इरादे से ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल किया था। वहीं इसी दरमियान आपको बताएं कि जिस दिन ये घटना हुई 18 तारीख को सुबह के आसपास, वहीं दूसरी तरफ रात को भी कॉन्वॉय, सलमान खान का कॉन्वॉय जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट पर, वहीं ठीक उसी स्थान पर सलमान खान के कॉन्वॉय में एक व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की, उसे भी हिरासत में लिया गया, बाद में नोटिस देकर छोड़ दिया गया। आपको समझना होगा कि सलमान खान एक पब्लिक फेस हैं, एक पब्लिक इमेज रखते हैं और जब आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो आप समाज में अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप पुलिस के ऊपर भी अधिक भार डाल रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, आपने उनके साथ मजाक मस्ती की, अगर आपने किसी भी तरह से बॉम्ब या फिर दूसरी चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया, इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया, तो आप गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें तो आप जिस तरह से इस घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे 18 तारीख की देर रात सलमान खान के कॉन्वॉय में घुसने की कोशिश, रैश ड्राइविंग की कोशिश, या फिर सुबह जिस तरह से सलीम खान जब मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, क्योंकि उनका शेड्यूल बिल्कुल आम है, यहाँ जिस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट, यहीं से कुछ दूरी पर वो अमूमन अपनी सिक्योरिटी के साथ वॉक के लिए जाते हैं, हर किसी को ये बात अच्छी तरह से पता है। लेकिन अगर इस तरह की घटना को आप अंजाम देते हैं तो ये भी आम नागरिकों के लिए एक सबक है कि आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और इस मामले में पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। सर क्या है पूरा मामला, क्या किस तरह से गिरफ्तार किया गया दोनों आरोपियों? जी दोनों आरोपी हमें मिले हैं और उनसे डिटेल पूछताछ की गई। दोनों ने मिसचीफ किया था और एक लड़का था स्कूटी पे और पीछे एक लड़की थी, दोनों ही हमारी कस्टडी में हैं और आगे हम उन पर एज पर लॉ, एज पर द केस, लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। सर हमने देखा कि वहीं दूसरी तरफ रात को भी सलमान खान के कॉन्वॉय में एक व्यक्ति घुसने की कोशिश कर रहा था, उसमें क्या हुआ है, फिलहाल क्या मामला है वो? जी वो रैश ड्राइविंग का मामला था और उसमें उसे ये भी नहीं पता था कि किस पर्सनैलिटी की कॉन्वॉय है, तो एज पर रैश ड्राइविंग केस हमने उस पर एक्शन लिया है और हमने डिटेल्ड उससे पूछताछ की है, देयर इज नो अदर एंगल। सर इन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनका कोई बैकग्राउंड अभी तक पता चल पाया है? जी इनका एज सच क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और दोनों से डिटेल पूछताछ की गई है, इन्होंने मिसचीफ की थी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अरुण के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।